डॉक्टर सोनाली और तारिका दोनों को किडनैप कर लिया? इतनी हिम्मत किसने की होगी? इन्हें किडनैप किया क्यों है, चाहता क्या है? यही तो चक्कर है दया, इस किडनैपर के बारे में हमारे पास कोई सुराग नहीं है, ना हमें यह पता कि ये किडनैपिंग क्यों कर रहा है। जो कोई भी है, बहुत बड़ी हिम्मत की है सीआईडी से टक्कर लेने की। तारिका और सोनाली को तो हम ढूंढ निकालेंगे, मगर ये किडनैपर, ये जो भी कोई है, ये हमारे हाथों से नहीं बच सकता। सर ये फॉरेंसिक के डॉक्टर्स को किडनैप करने की क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी पहले हमने इस मुजरिम को सजा दिलवाई हो? हाँ सर, और कोई मकसद तो नजर नहीं आ रहा, हो सकता है कि वो हमसे बदला ले रहा हो। हाँ पर ताशा, वो फॉरेंसिक डॉक्टर्स को क्यों किडनैप कर रहा है? हो सकता है ये कोई ऐसा मुजरिम है जिसे फॉरेंसिक के सबूतों की वजह से सजा मिली हो, और इसीलिए वो नफरत करता है फॉरेंसिक वालों से। इस बारे में शायद डॉक्टर सालूके को कुछ मालूम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सालूके हमसे कुछ छुपा रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब मेरे दो साथी दोनों डॉक्टर किडनैप हो गए हैं और आप लोग उन्हें ढूंढने की बजाय यहाँ बैठकर मुझ पर शक कर, मुझ पर। ये तुम क्या कह रहे हो सालू? अरे हम तो ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे थे यार, क्या सोच रहे थे? प्रद्युमन, मैंने आज तक आप लोगों से कभी भी कोई भी बात छुपाई है जो अब छुपाऊंगा? बस अभी तक मुजरिम को पकड़ने के लिए हम लोगों ने एक साथ मिलकर के काम किया, हमेशा एक साथ मिलकर के। हाँ किया है ना, हमने कभी ना बोला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बॉस कि वो जो कोई भी है वो सिर्फ फॉरेंसिक से बदला नहीं ले रहा है, वो पूरी की पूरी सीआईडी टीम के साथ बदला ले रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी। हाँ वो कोई भी हो सकता है डॉक्टर साहब, कोई भी, और इस बार भी हम लोग मिलके पकड़ेंगे उसे। उसे पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है, ये वीडियो सालूके, ये वीडियो। हाँ सर, ये वीडियो ही हमें उस तक पहुंचाएगा। सविता, मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी निकला करो। अरे इतनी रात को कोई वॉक पर निकलता है क्या? और फिर तुम्हें मालूम नहीं है कि आजकल चोरी चकारियाँ कितनी बढ़ गई हैं। नंदन, तुम तो ऐसे बातें करते हो जैसे हम 10-20 लाख जेब में लेकर रोज निकलते हैं, और फिर हम बूढ़ों से भला कोई क्या ले जाएगा। सही कहा। ये पलाश के घर से कौन निकल के भाग रहा है? तुमने देखा उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था। हाँ, लगता है पलाश के घर में कोई गड़बड़ है। चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं साहब को रोज रात में कभी चाय कभी जूस पीने की तलब क्यों पड़ी, रोज रात में सोने की परेशानी। इतनी रात को कौन हो सकता है? साहब ने तो कुछ बताया नहीं कि कोई आने वाला है। आज रात को तो अपना जागरण ही लगता है। सती है ना, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है पला, सुकृति और नितिन ठीक है ना वो? अरे आंटी अंकल, आप यहाँ सब ठीक है? आंटी सब सो रहे हैं। अरे हमने अभी भी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है, उसके कपड़ों पे खून लगा था। यहाँ से भागते हुए देखा? हाँ। और उसके कपड़ों में खून लगा था? हाँ हाँ, अभी अभी बगीचे के रास्ते से भागा है वो। लेकिन मैं तो यहीं सो रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। अभी 5 मिनट पहले नितिन साहब ने ये जूस मंगवाया तो मैं जूस लेके ऊपर जा रहा था और आप लोग आ गए। लेकिन हमने अभी भी उसे यहाँ से बाहर भागते हुए देखा है। तुम सो रहे होंगे इसलिए तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। एक काम करते हैं, चल के देख लेते हैं। ठीक है चलो, पलाश साहब से पूछते हैं। हाँ चलो। पलाश साहब, पलाश साहब दरवाजा खोलिए। पलाश, पलाश दरवाजा खोलो। पलाश, पलाश साहब, पलाश दरवाजा खोलो। खोल, देखा मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। हाँ नितिन साहब को देखते हैं। नितिन साहब, साहब दरवाजा खोलिए। नितिन साहब, घर में कुछ हो गया। नितिन बेटा दरवाजा खोलो। नितिन, नितिन बेटा दरवाजा खोलो। नंदन अंकल, सविता आंटी, आप लोग इस वक्त यहाँ? साहब, साहब घर में कोई घुस आया था, इन लोगों ने देखा साहब, और पलाश साहब और दीदी जी दरवाजा नहीं खोल रहे साहब, और उनके दरवाजे के नीचे से खून निकल रहा है साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हेलो मैं देखता हूँ। खून,
भाभी दरवाजा खोलिए, भाभी दरवाजा, मेरे पास इसकी चाबी है, खैर आप लोग अभी आता हूं। हे भगवान, बच्चे ठीक तो है ना? नितिन जल्दी करो, आ जाइए अंकल। पलाश भैया, भाभी, पलाश भैया कहाँ हैं आप? पलाश भैया, पलाश ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पलाश ये तुम क्या कर रहे हो? ये भैया, I'm sorry भैया, लगता है ऐसा कुछ हो गया, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। सूरज तुम जल्दी जाओ, ड्राइवर को कह के गाड़ी निकालो, जल्दी जाओ जल्दी। भैया सुकृति, सुकृति कहाँ है? भैया भैया आके खोल, सुकृति, 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 सर ये खून पैसों के लिए नहीं किया गया, घर में से कुछ भी चुराया नहीं गया सर, घर को देख के लगता है कि वो आदमी सुकृति की जान लेने के लिए आया था यहाँ पे। नंदन जी आप कह रहे थे कि आपने रात को 1 बजे एक आदमी को पलाश के घर के बाहर से भागते हुए देखा है ना? यस सर, उसकी कमीज पे खून लगा था सर, और मैं देखने के लिए अंदर आया, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं था। और नितिन तुमने इनके आने से पहले किसी को देखा नहीं था और कोई आवाज भी नहीं सुनी? नहीं सर, मैंने तो भैया और भाभी के साथ ही खाना खाया था और फिर हम सोने चले गए, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता, और आप सूरज जी आपको क्या पता है? जी साहब, मैं भी इन सबके अपने अपने कमरे में जाने के बाद ही सोने को गया था सर, सब घर के अंदर कौन घुसा मुझे भी कुछ नहीं पता सर। अच्छा, तुमने भी किसी को नहीं देखा? जी। है ना बड़ी अजीब बात, सुकृति का खून होता है उसी के खुद के कमरे में, और उसका पति पलाश कुछ बता नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, क्योंकि उसे शौक लगा है और खूनी खून करके भाग जाता है, और आप में से किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना। वाह वाह दया सर, ये लोग तो कहते हैं कि सुकृति के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था सर। हाँ एक मिनट सर, हाँ सर, ये देखिए खिड़की के बाहर लेज पे जूतों के निशान है। सब पर अजीब बात यह है कि अगर खूनी घर के बाहर से कमरे के अंदर आता तो ये जूते के निशान सीधे होते, पर ये जूते के निशान आड़े। यस सर एग्जैक्टली, इसका एक ही मतलब है दया, कि खूनी बाजू वाले कमरे में से खिड़की के रास्ते सुकृति के कमरे में घुसा। सर काम करो, इन पड़ोसियों को साथ में लेकर जाओ, और तुम और फ्रेडी गार्डन की अच्छी तरह से चेकिंग करो, तब तक हम बाजू वाला कमरा चेक करते हैं। कैसे चलो ताशा, रिमाइंड करो, इस आदमी की आवाज के पीछे कोई और आवाज है, वॉल्यूम बढ़ाओ। सर वॉल्यूम फुल है। ओके।
तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि ये तो किसी पंखे की आवाज लगती है। पंखा ही होता है, एग्जॉस्ट फैन है। ये देखो, ये पीछे की दीवार पे परछाई है, एग्जॉस्ट फैन की परछाई है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी आवाज के अलावा कोई और आवाज भी है। फिर से चलाओ। केस खत्म, पकड़ लिया, मार दिया, मुझे मार दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम सीआईडी वाले बेवकूफ। तो ये तो चर्च की घंटी की आवाज। चर्च की घंटी की आवाज, इसकी बात कर रहा था मैं। चर्च की घंटी की आवाज और एग्जॉस्ट फैन। ये एग्जॉस्ट फैन तो उसी जगह पे होता है जहाँ पे कोई फैक्ट्री हो, गोडाउन हो या फिर गैरेज वगैरह हो। तो ये गैरेज है, यहाँ पर दो टायर्स रखे हुए, पीछे दो बाइक है, गैरेज है। और ये गैरेज किसी ऐसी जगह पे है जहाँ आस पास कोई चर्च है। मेरा खबरी है, मैं उससे पता करता हूँ। हेलो बोमिया, कहाँ पे है तू? सर ये यहाँ से भागते हुए देखा हमने उसे। यहाँ से? हाँ सर, वो दीवार लांग के भागा। मतलब वो आदमी यहाँ जरूर आया था, घर के अंदर गया था या नहीं ये नहीं मालूम, मगर यहाँ जरूर आया था। हाँ सर, अगर वो यहाँ से भागा भी होगा तो भी कुछ ना कुछ तो सबूत छोड़ के गया होगा। पेड़ी, इस गार्डन को अच्छी तरह से छान मारते हैं, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। चलो वॉलेट हमें वहां पे मिला। ये आदमी ना तो पलाश है, ना सुकृति है और ना ही ये नितिन है। कौन है ये आदमी, आप लोग पहचानते हैं? देखिए जरा, नहीं सर, ध्यान से देखना, क्या ये वही आदमी है जो कल रात को यहाँ से भागा था? सर हमने उसे देखा तो था पर दूर से, इसीलिए एकदम से ये बताना मुश्किल है कि ये वही था या नहीं। अच्छा, शक्ल से कोई इसे पहचानता नहीं है। इस ड्राइविंग लाइसेंस में इसका नाम रवीश लिखा हुआ है, कभी किसी ने ये नाम सुना है? नहीं सर। ठीक है, इसे तो हम ढूंढ ही लेंगे, पर इस पलाश को दिखाते हैं ये फोटो, शायद वो इसे पहचान ले। तो ये है नितिन का कमरा, देखते क्या मिलता है। विक, ढूंढो अच्छी तरह से। ये देखिए, यहां पे भी जूतों के निशान, इसका मतलब खूनी पहले यहां आया था नितिन के कमरे और फिर यहां से पलाश के कमरे में। तभी तो उसके जूतों के निशान है इस कमरे में से बाहर जाने के। सर हमें नितिन से पूछताछ करनी चाहिए। नहीं, पहले वो सबूत इकट्ठा करो, वो जूते पर इस निशान से मैच करके देखो नितिन के जूतों को। मगर सर एक और बात, नितिन के पास पलाश के कमरे की चाबी ऑलरेडी है सर, वो आराम से कभी भी दरवाजा खोल के जा सकता है।
तो फिर वो खिड़की से कूद के क्यों जाएगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूं, क्यों खिड़की से ही क्यों बाहर जाएगा, जबकि उसके पास इस दरवाजे की चाबी है। तो फिर क्यों नितिन खिड़की से बाहर जाएगा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हाथ मत लगाओ, छोड़ दो। तुमने सुप्रीति को मार डाला, अब क्या मुझे मारोगे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, खूनी हो तुम लोग, खूनी हो तुम लोग। कितना हाइपर है सर ये, पूछताछ कैसे करेंगे इससे? जितनी दवाइयां देंगे इसे शांत करने के लिए, इसे नींद से वापस आने में उतना ही वक्त लगेगा। बहुत भारी शौक लगा इसे अपने बीवी की मौत का। हाँ, मगर कभी तो शौक में से बाहर आएगा ये, या ऐसे ही रहेगा ये कायम का? ये तो वक्त ही बताएगा। अरे क्या आप कह रहे, हमसे ज्यादा आप जानते हैं इसके बारे में, इसके साथ क्या हो रहा है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। देखिए डॉक्टर साहब, हमें इस पेशेंट के साथ बात करनी है, इसने देखा है उस कमरे में क्या हुआ है, समझे आप? ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि कब तक ठीक होगा। वैसे हम इसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर देखते हैं। तू मुझे मार दोगे? पर गवाह हमारे सामने है और हम यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। वैसे मुझे एक चीज मिली है, शायद वो आपके कुछ काम आ सके। क्या? एक मिनट, लाता हूँ, जल्दी लाइए। सर, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही सही। क्या पता सचिन, वो तिनका ही हमारे काम आ जाए। चाकू ये पलाश के पास था? जी, जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तब इसने इसे हाथ में कस के पकड़ रखा था, और ये खून का मामला है तो मैंने सोचा इसे संभाल कर रख लूं। ये आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब, हो सकता है सुकृत का भी खून इसी चाकू से हुआ। क्या सचिन, इस पर तो खून का कोई भी निशान नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्यों डॉक्टर साहब, कहीं आपने तो ये साफ नहीं किया ना? अरे दोनों किडनैप हो गए, सीआईडी वालों की भी किडनैपिंग हो रही है आजकल। किडनैपिंग हो रही है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, पहले तू बता तुझे क्या मालूम है। बहुत खतरा साहब। ए मुझे समझा मत, टाइम बहुत कम है, जल्दी बता। साहब सीधे सीधे तो पता नहीं साहब, मगर उड़ती उड़ती खबर सुनी। क्या क्या सुना है साहब? वो सुन के तो मेरे हाथ पैर भी खुल गए साहब, सीआईडी वाले डॉक्टरों को हाथ लगाया है। कौन वो? ये तो मालूम नहीं, मगर बहुत बड़ा आदमी है साहब। लेकर कहाँ गया होगा ये तो पता चला होगा ना? शायद किसी गैराज में लेके गया मैडम। गैराज? कौन सा गैराज? मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए साहब। तो गैराज का नाम बता। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। हमें रविश से मिलना है, वो यही रहता है ना? हाँ यही रहता है, पर वो है कहाँ आपको पता है? इसका मतलब रमेश घर पे आए नहीं? नहीं, पर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। क्या क्या हुआ है मेरे रमेश को? देखिए एक खून हुआ है, और उस जगह से हमें ये ड्राइविंग लाइसेंस और वॉलेट मिला है। उस जगह पे तो रमेश को किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन आप बता सकती हैं उसके बारे में कुछ? हे भगवान, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचा होता। पिछले दो दिन से तो वो घर भी नहीं आया। क्या आपका बेटा दो दिन से घर नहीं आया? क्या आपने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई? नहीं। क्यों नहीं लिखवाई? दो दिन से आपका बेटा घर नहीं आया और आपने पुलिस कंप्लेन भी नहीं लिखवाई? मुझे लगा वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है, आ जाएगा वो। रविश इस वक्त कहाँ है आपको कुछ अंदाजा है? मुझे पता होता तो मैं खुद ना ढूंढ लेती उसे।
अजीब बात है, दो दिन से बेटा गायब है और आप हैं जिसे किसी बात का कोई अंदाजा ही नहीं। देखो अब तक मुजरिम को ढूंढने के लिए हम लोगों ने मिलकर के काम किया एक साथ, कहां से ढूंढ के लाऊं इस मेरे तरीका को, किस हालात में हूं, ऐसा क्यों लग रहा है कि और भी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सॉरी बस, मैंने आप लोगों को आते हुए देखा नहीं। कोई बात, देख सारुंगे, तुम इतने परेशान मत हो, सोनाली और तारिका को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको हम बचा कर ही रहेंगे, समझे? चिंता मत करो, मुझे विश्वास है यार तुम पर, लेकिन मैं सोचता हूँ बस वो ठीक तरीके से रहे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। एनीवे अब हम सबूतों की बात करते हैं। हाँ बस, ये सुकृति को कई बार पेट में चाकू से वार किया गया है। इस चाकू पर पलाश के अलावा और किसी की उंगलियों के निशान है? ये चाकू जो आप लोगों को पलाश के पास से मिला है, इस चाकू से खून नहीं किया गया है, इस चाकू पर कहीं भी खून नहीं है। यही तो मुझे भी शक था सांखे, जब ये चाकू हमें हॉस्पिटल में मिला तभी शक था कि शायद ये खून इस चाकू से नहीं हुआ है, फिर भी मुझे लगा कि शायद कोई निशान हो इसमें जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख पा। मगर सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने इस चाकू को पानी से अच्छी तरह से धो दिया। नहीं सचिन, मैंने इस चाकू पर केमिकल टेस्ट करके देखा है, इस चाकू पर खून था ही नहीं। एक और बात, सुकृति का खून जिस चाकू से हुआ है वो इस चाकू से काफी बड़ा है, इसलिए इस चाकू से उसका खून नहीं, ये पक्का है। मतलब पलाश ने अपनी जान बचाने के लिए कहीं से ये चाकू उठा लिया। शायद पलाश ने तो अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ये नितिन का कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब है सर? आप लोगों को जो जूते के निशान खिड़की के बाहर से मिले थे वो दरअसल नितिन के जूते के ही निशान है। नितिन ही खिड़की से कूदकर अपने भाई और भाभी के कमरे में गया था। कोई अपने ही घर में खिड़की से कूद के एक कमरे से दूसरे कमरे में क्यों जाएगा? नितिन, सर कहीं ये लोग भाग तो नहीं गए? ये तो वही जगह है। हाँ सर, रस्सियां भी लगी हुई है। रस्सियां हैं मगर वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों यही थे, डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर तारिका को उसने सही ही बांध कर रखा था। वो जो कोई भी है उसे हमारे आने के बारे में खबर मिल गई थी, इसलिए भाग गया लेके उनको। अगर सोनाली और तारिका को कुछ भी हुआ तो मैं देखिए। सर ये तो वही मास्क है जो उस किडनैपर ने उस वीडियो में पहना था। ये फिल्म, ये तो उस वीडियो में नहीं दिखाई दी थी ना? नहीं सर। लगता है गलती से छूट गया है, ये हमें जरूर कुछ ना कुछ बताएगा। क्या
मार के ही छोड़ेंगे। ये तो ऐसी की तैसी। नितिन, ये तुम्हारे जूतों का निशान है और ये वो निशान है जो पलाश और सुकृति के कमरे के खिड़की पर हमें मिला है। और दोनों निशान एक जैसे हैं। बड़ी बड़ी अजीब बात है सर ये तो। हाँ, बहुत अजीब बात है ये। अजीब तो हमें भी लगा कि जब तुम्हारे पास पलाश की कमरे की चाबी थी तो फिर खिड़की से क्यों है? चाबी होते हुए भी अपने भैया भाभी के कमरे में चोरी करने के लिए खिड़की से गए? चोरी करने के लिए नहीं गया, ये अपने भैया भाभी का खून करने के लिए गया। नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हाँ, मेरे पास चाबी थी लेकिन मैं खिड़की से गया क्योंकि क्योंकि पलाश भैया ने तिजोरी में कोर्ट के पेपर रखे हुए थे। वो इस घर के पेपर्स हैं सर, मुझे तिजोरी से वो निकालने थे। तो फिर दरवाजे से क्यों नहीं गया है? जबकि तुम्हारे पास चाबी थी। उस वक्त घर पे कोई नहीं था सर, और फिर तभी तो मेरी हिम्मत हुई कि मैं तिजोरी से वो पेपर निकाल के लेकर आया। राविश के बारे में क्या मालूम है तुम्हें? सर मैंने आपसे छुपाया सर। दरअसल मैं डर गया था सर। भाभी शादी से पहले से ही रविश को जानती थी लेकिन फिर भी उसने पलाश भैया से शादी की। शायद यही सोच के सर रविश ने भाभी का खून किया सर। एक एक करके बातें बाहर क्यों आ रही है? जल्दी से दिमाग का धक्कन खोल और जो कुछ मालूम है फटाफट बोल, समझा? सब कुछ दिन पहले की बात है साहब। जब पलाश साहब घर पे नहीं थे तो रवि से आपने आया था और उसका सुकृति मैडम से झगड़ा हुआ। कैसा झगड़ा? साहब वो भाभी जी को कह रहा था कि मेरे साथ चल सारे पैसे और जेवर लेके। ये सुन के भाभी जी गुस्से में हो गई तो उसने भाभी जी को जान से मारने की धमकी दी साहब। जान से मारने की धमकी दी थी? अच्छा, तब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, हाँ, क्या, कहाँ पे? ठीक है सर, एक पब्लिक पार्क में एक लड़की की लाश मिली है। लड़की की लाश? काम करो, तुम और फ्रेडी जाओ, जाकर देखो। खबरी ने फंसा दिया। ऐसा हो कैसे सकता है? खुले आम एक पब्लिक पार्क में आत्महत्या? फ्रेडी, कमाल की बात तो यह है कि ऐसा करते हुए उसे किसी ने देखा तक नहीं। ये खड़ा है वॉचमैन।
सुसाइड नोट तो नहीं? हाँ ये तो सुसाइड नोट ही है। मैंने ही सुकृति का खून किया है। उसने वादा किया था कि पलाश का पैसा लेकर वो मेरे पास आ जाएगी, पर उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसे माफ नहीं कर सकता, इसलिए उसका खून कर दिया। पर मैं उसके बिना जी नहीं सकता, इसीलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। ये रविश बहुत प्यार करता था सुकृति से, इसीलिए उसे मारने के बाद खुद भी जी नहीं पाया। लेकिन ये फांसी का फंदा इसने अपने आप बांधा कैसे होगा? रड़ी, इस रस्सी को उसने पहले यहाँ इस पेड़ के साथ बांधा होगा और उसके बाद किसी भी तरह चढ़ के ऊपर पहुंचा और ऊपर इस रस्सी को अपने गले में डाला और फंदा बना दिया उसका, और उसके बाद पेड़ से छलांग लगाई और छलांग लगाते ही उसकी मौत हो गई। अगर इसके हाथों पर और कपड़ों पर खून लगा हुआ है तो फिर आत्महत्या करते वक्त रस्सी पर खून क्यों नहीं लगा? सर, आपके कहने का मतलब है कि इसका खून किया गया? 100% बिल्कुल। बॉस, इसके खून में मुझे एक नशीली दवाई मिली। हुआ यूं होगा कि पहले इस आदमी को नशीली दवाई पिलाई गई होगी ताकि इसे आराम से मारा जा सके, ये उन लोगों को तंग ना करे। बेहोशी में अपने आप को फांसी कैसे लगा था? कैसे लगा मैं बताऊं? आप लोग इस रस्सी को जरा गौर से देखिए। देखिए, दोनों साइज में आपको कोई फर्क दिखाई देता है? ये देखो, यहां देखो। सर, ये रस्सी इस तरफ से घिसी हुई लग रही है। अगर रविश आत्महत्या करता तो फंदा बनाकर खुद उसमें लटक जाता, जैसे उसने आत्महत्या की चिट्ठी में ली। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बॉस। तो इसका मतलब हुआ ये होगा कि पहले इसके गले में फांसी का फंदा बना करके लगाया गया होगा और फिर रस्सी को खींचा गया होगा इसे लटकाने के लिए, इसलिए रस्सी पे घिसने के निशान बने। हाँ, और जिसने भी रविश का खून किया है उसने ये दिखाने की कोशिश की कि रविश ने आत्महत्या की। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो खून के दाग है इसके हाथों पर और कपड़ों पर, वो किसके हैं? बॉस, वो खून इसके पेट में जो चोट लगी है शायद वहां से आया, लेकिन उसके पहले मुझे इसके खून को टेस्ट करना पड़ेगा। और सोनाली के सुकृति के खून के साथ मैच करके देखना पड़ेगा। I'm sorry यार, दिमाग में बात बैठ ही नहीं रही है कि सोनाली और तारिका भी लैब में नहीं है। कोई बात नहीं सारुण के, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अभिजीत और ताशा उन्हें ढूंढने में लगे हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। तो सर, इसका मतलब है कि रवेश ने सुकृति का खून नहीं किया है? ये हम अभी कह नहीं सकते सर, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि उस कमरे में क्या हुआ है और क्या नहीं, मगर ये खून बड़े प्लानिंग के साथ हुआ है, इसीलिए किसी ने वो नकली आत्महत्या की चिट्ठी इसके पॉकेट में डाल दी। उस हैंडराइटिंग से पता कर सकते कि वो आत्महत्या का नोट लिखा किसने? बिल्कुल, इस नितिन और सूरज को उठाओ। सर, ये राविश की हैंडराइटिंग है और ये वो लेटर है जो आपको उसकी जेब से मिला? जी हाँ, ये हमने रविश के घर से उठाया था और बाकी जो है वो सूरज और नितिन के हैं। पर ये सुसाइड नोट तो उसने नहीं लिखा। ये लेटर रविश ने नहीं लिखा, तो फिर कौन लिखेगा? किसी और के साथ मैच होता है? नहीं, ये लेटर तो किसी और के साथ मैच ही नहीं करता। ओ यार, क्या हुआ सर, कुछ पता चला कि ये हैंडराइटिंग किसकी? आराम से आराम से, मगर तुमने ये कैसे नहीं पूछा कि रविश को क्या हुआ है? सो सॉरी सर, वो भाभी के खून और भैया की तबीयत को लेके इतना परेशान हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, साहब हम तो बस यही चाहते हैं कि मुजरिम पकड़ा जाए साहब। अरे हम भी तो वही चाहते हैं कि खूनी पकड़ा जाए। अच्छा ये बताओ, ये किसने लिखा है? मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है सर। अरे इसे तो पहले से पता है कि ये लेटर रविश ने नहीं लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। चलो ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, वैसे तो खूनी के बारे में हमें सब कुछ पता चल ही गया है। पर जाओ भाई। सलाम, अभी तो कहां कुछ पता चला है?
दया, अगर वो सुसाइड नोट इन दोनों में से किसी ने नहीं लिखी है तो फिर वो नोट उसी ने लिखी है। उनको पता चल गया, उनको पता चल गया कि तुम्हें नहीं। क्यों, हमें देखते ही दिमाग खुल गया, बोलने लगे तुम? ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे, एक मरीज के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। चुप, सच बता नहीं तो दवाई पिला दूंगा, सच बोलने की, समझे? जरा इसकी शक्ल भी तो देखे, है कौन ये? ओ, नितिन। क्यों भाई, भाई और चोर चोर, हाँ क्यों, तुम्हें भी दवाई खिला दो सच बोलने की, या बताओगे सच? नहीं, पहले खिड़की से और अब चुपके से हॉस्पिटल में भी आ गए, क्यों? अब वो आप क्यों हकला क्यों रहे हो? सच अटक गया है तुम्हारे गले में, उगाल दूं? सचिन, खिला दे इसे दवा। हाँ सर, तू दवाई खा ही ले, अपने आप बोलना शुरू कर देगा। आप लोग ऐसे शक नहीं कर सकते, सबूत नहीं है आप लोगों के पास कोई। आप लोग फंसा रहे हैं मुझे, फंसा रहे। रुक जाओ, दवा तो भूल ही गया तू, पहले दवा खा। मैंने ये सब अपने भैया के लिए किया था। तेरी बीमारी का इलाज तो मैं हॉस्पिटल में ही कर देता था अगर आसपास डॉक्टर्स ना होते। मेरे पैसे लेके भागने वाली थी वो, इसीलिए मैंने उसे मारा। रविश सुसाइड करने वाली थी वो। चुप, इसीलिए मारा? किसने बताया तुम्हें ये? मैंने बताया था भैया को, रविश भाभी को पहले से ही परेशान कर रहा था। मैंने भाभी की मदद करने की भी कोशिश की, रविश को उससे दूर करने के लिए, लेकिन मुझे भाभी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। भाभी ने भैया से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी सर। हमने सुकृति को खत्म करके उसका सारा इल्जाम रविश पर डालने का प्लान बनाया ताकि मैं उन दोनों से बदला ले सकूं। इसीलिए हादसे की रात तुम दोनों सूरज के सामने से अपने अपने कमरे में गए सोने के लिए, ताकि अपनी बेगुनाही का एक गवाह मिल जाए, है ना? क्यों? हाँ, हमने रविश को पैसों का लालच दिया कि वो सुकृति को मार दे। पहले तो वो तैयार हो गया, फिर मुकर गया, और फिर हमने खुद ही भाभी को मार डाला। और फिर तुमने रविश को भी नहीं छोड़ा क्योंकि तुम्हारे पड़ोसियों ने उसे भागते हुए देख लिया था। वाह रे वाह भाईचारा, वाह! तुम जैसे दो चार दुनिया में हो ना तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हम जेल में जिंदगी भर बैठना और अपना अपना प्यार जताते रहना। सचिन, ले जाओ इन्हें। सर, चलो। विजीत, आशा, क्या हुआ? सर, हमें खबर मिली थी कि तारिका और सोनाली को एक गैरेज में बंद करके रखा है, वहां गए तो ट्रैप था, हमें फंसा के मारने की कोशिश की, सर किसी तरीके से बच के निकले। सर, उन किडनैपर्स को पहले से ही पता था कि हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो फिर तारिका और सोनाली वो कहां है? वो लोग नहीं मिले सर। अरे, लगता है हमारे पहुंचने से पहले निकाल ले गए उन लोग का, लेकिन वहां पे एक फिल्म का रोल मिला सर,
उसको डेवलप किया तो आप यकीन नहीं करेंगे सर। अभिजीत ही तो सारू, अभिजीत सारूंगी का कोई पीछा कर रहा है। हाँ सर, लगता है तारिका और सोनाली के बाद डॉक्टर सोलंकी का नंबर है। माय गॉड, ये जो कोई भी है हमारे साथ एक बहुत बड़ा डेंजरस गेम खेल रहा है। पहले दोनों फॉरेंसिक डॉक्टर्स को किडनैप किया, अब तुम पर हमला किया और अब शायद सारू के है। कौन ये चाहता क्या है? प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने पूरी कोशिश की थी। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो, मैंने तो जहरीली गैस अंदर छोड़ दी थी। दोनों को चारों तरफ से बंद भी कर दिया था सर, फिर उन्हें मारने का पूरा इंतजाम भी कर दिया था, मगर वो निकल गए। कैसे निकल गए वो लोग, निकल कैसे गए? खिड़की तोड़ दी सर, मरने से पहले कांच तोड़ दिया उसने। अब तू भी उस खिड़की में से ही बाहर जाएगा। कोशिश करूंगा सर। करेगा? करूंगा सर, जरूर करूंगा। कोई निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूँ सर। मैं भी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। जा, अब तू उस खिड़की में से कूद जा। हर गलती की सजा सिर्फ मौत होती है, सिर्फ मौत। ले जाओ इसको। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाए, बाहर निकालोगे तो मर जाए। अब तेरी बारी है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।